एक रोड एक्सीडेंट या अल्कोहल का ओवरडोज भी आपको कोमा में ले जा सकता है और ब्रेन डेड भी कर सकता है। कोमा में गया इंसान लंबे टाइम तक अनकॉन्शियस यानी बेहोश रहता है और उस पर किसी भी तरह की पेन, साउंड या लाइट का कोई भी असर नहीं होता। सोते हुए इंसान को अगर जोर से हिलाया जाए तो वो नींद से जाग जाएगा, लेकिन कोमा में गया इंसान किसी भी मूवमेंट को फील या रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता। हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी सबसे बाहरी लेयर पे किसी भी तरह का डैमेज होने से हम कोमा में जा सकते हैं। ये डैमेज किसी रोड एक्सीडेंट, अल्कोहल या ड्रग ओवरडोज या स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। कोमा के तीन मेजर स्टेट्स हैं। वेजिटेटिव स्टेट, इस स्टेट में इंसान अपने आसपास की किसी भी चीज को महसूस या देख नहीं सकता, लेकिन उसकी हार्ट बीट और सांस चलती रहती है। लॉक्ड इन सिंड्रोम, इस स्टेट में इंसान देख और समझ सकता है लेकिन किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। ब्रेन डेथ, ये एक परमानेंट कोमा स्टेट है जिसमें ब्रेन पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है, यहाँ तक कि हार्ट बीट और सांसें भी मशीन की हेल्प से चलाई जाती हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर 3D वीडियोस।